है। मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। पिछला व्लॉग जो है, मैं रॉयल इनफील्ड का जो क्लस्टर था, डिजिटल मीटर था, वो सुधारने के लिए यहाँ से 27 किलोमीटर जलगांव में गया था। वहाँ मैंने दिखाया मैकेनिकल को कि भाई थोड़ा सा देख ले, नया ख़रीदने से अगर सस्ता गिरता है तो कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जब मैं शॉप पर गया तो देखा तो उससे कुछ जमा नहीं, क्योंकि ये रॉयल इनफील्ड का मीटर उसके दिमाग के ऊपर था। लेकिन आज अचानक से जो है, मुझे रॉयल इनफील्ड शोरूम से एक कॉल आया और उसने बोला है कि तुम्हारा जो क्लस्टर है, डिजिटल मीटर है, वो नया वाला आया है और बिठाने के लिए आप जो है आ जाओ, हम आपको बिठा देंगे। तो यही भुसावल में जो है एक रॉयल इनफील्ड का छोटा सा शोरूम है, वही आया हुआ है, मैंने बुक किया था। चलिए मैं अभी आपको लेके जाता हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम के ऊपर, और हो सके तो थोड़ा मैं मार्केट भी जाऊँगा, वहाँ थोड़ा सब्जी खरीदूँगा और कहाँ जहाँ जहाँ भी घूमूँगा थोड़ा सा ब्लॉग के जरिए मैं दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए और यहाँ थोड़ा सा आया हूँ मैं ठेले वाले के पास में, एक काका के पास में। यहाँ ख़रीदूँगा मैं कुछ प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और कोतंबीर। और ये देखिए, मैंने ये ख़रीदे हैं प्याज, और ये प्याज जो दिए हैं काका ने, बढ़िया बढ़िया ऐसे प्याज जो दिए हैं, ये मात्र दिए हैं 20 रुपये केजी दिए हैं, तो ठीक ठाक भाव है। और ये जो दिया है लहसुन जो है, यहाँ भुसावल का जो भाव है, ये ख़रीदा है मैंने 50 रुपये केजी। और ये टमाटर ख़रीदा है 40 रुपये केजी। और ये मिर्ची कितने की दिया? मिर्ची 20 रुपये की, 20 रुपये की एक पाव, एक पाव। और ये कोतंबीर 30 रुपये की पाव भर, ये 30 रुपये की पाव भर। तो ये है आज का जो भुसावल का ताज़ा रेट। तो यही से थोड़ा सा मैं ले लिया हूँ, बड़े बड़े दुकान से तो मैं कभी ख़रीदता नहीं हूँ, तो यही रास्ते से मैं जा रहा था। कुछ फ्रूट्स की दुकान भी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया है शोरूम, और इसी शोरूम के ऊपर हम गाड़ी का थोड़ा सा क्लस्टर जो है बिठाएंगे। तो चलिए अंदर। क्लस्टर है, देखिए इसका प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लस्टर है 5400 का। मेरे गाड़ी का जो क्लस्टर है ये हो गया है ख़राब, आप देख सकते हैं। शोरूम में आया तो मेरा एक सब्सक्राइबर भी मिला है, क्या नाम है? आकाश लोहार। मेरे चैनल देखते हो? हाँ। चलो कोई बात नहीं है। और ये भैया अभी जॉब कार्ड बना रहे हैं, पहले जॉब कार्ड बनेगा, फिर बाद में जो है गाड़ी को क्लस्टर लगेगा। तो उसी का शूट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अपने लैपटॉप पे, जो छोटा जो शोरूम का जो लैपटॉप होता है उसी के ऊपर ये भैया जो है जॉब कार्ड बना रहे हैं। जॉब कार्ड बनने के बाद में वो छोटा सा क्लस्टर जो है वो लगा देंगे। और ये पीछे जो है ये शोरूम है जहाँ गाड़ियाँ रखी है। देखिए अभी ये उसको निकाल रहा है। शायद ये इधर से भी खुलता है ना? देखिए नया हंटर का लुक, जो सबसे सस्ता गाड़ी है शायद रॉयल इनफील्ड में, 2-5 तक जाती है। और मेरे गाड़ी का जो ये जो मीटर है ये भैया ने निकाल चुका है, और ये देखिए खोल रहा है, और अब ये नया इंस्टॉल कर देगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। एम के एम जे, मेरी कहानी मेरी जुबानी। और ये देखिए
जो खोल रहा है, ये जो है ना मैकेनिकल के पास गया तो उसके पास नहीं था ऐसा खोलने के लिए, पहले ऐसी जुगाड़ बना के खोला था उसने। और ये पुराना उसने रख दिया है और ये नया जो है क्लस्टर है, ये नया बिठा रहे हो ना इसको? यस सर, नया क्लस्टर ये देखो ये इंस्टॉल कर रहे हैं और ये नया क्लस्टर ये लगने वाला है गाड़ी को। और ये देखिए अभी ये लगेगा, इसको थोड़ा साफ करो नहीं तो ये हाँ कोई ज़रूरत नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं। और ये देखो हो रहा है इंस्टॉल, ये कुछ नहीं एक पीछे से रहता है पिन और ये पिन में सिर्फ डालना पड़ता है। ये देखिए ये देखिए हो गया चालू, ये हो गया चालू, ये देखिए अभी चालू हो गया। और इसमें ये पेट्रोल भी दिखा रहा है ना, एक मिनट, ये देखिए तीसरे नंबर पे मेरी गाड़ी और पेट्रोल ख़त्म होने पे आया है ना। हाँ सर, चलो अभी ये 0.1 माइल से दिखाएगा क्या, मतलब शुरुआत से दिखाएगा? हाँ, पहला जो मतलब चला है वो गया सर, वो गया मतलब भाई अभी बेचते समय मुझे बताना पड़ेगा इतनी गाड़ी चली है। ये फायदा हो सकता है फिर यार, गाड़ी बेचना है कम माइलेज में तो भैया नया क्लस्टर बिठा लो। किलोमीटर देखो अभी 0 से दिखा रहा है, मतलब भाई 0 से दिखा रहा है तो कोई भी समझेगा यार वो ज़्यादा चली नहीं, 500 किलोमीटर ही चली है ना। यस सर, 200 किलोमीटर ही चली है। और ये भैया अभी कर रहे हैं इंस्टॉल। और ये तौसीफ, क्या नाम है तौसीफ? अरे तौसीफ, ये तौसीफ ने बना दिया है भैया क्लस्टर, बैठ गया है ना। इसका फिटिंग थोड़ा सा कठिन है ना, उसमें गैप नहीं है सर ज़्यादा। हाँ, और ये देखिए मेरा क्लस्टर बन चुका है, ये देखिए इसमें डिजिटल सब आ चुका है, दिख रहा है देखिए है ना, चालू हो चुका है मेरा। चलो इसे अभी मालूम तो पड़ा कि अभी पेट्रोल भी डालना है मुझे। तो चलिए मेरा अभी क्लस्टर का काम हो चुका है, 5400 रुपये जो यहाँ पेड करने पड़े। और वही रॉयल इनफील्ड के छोटे से इस शोरूम से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचाते जाऊँगा। अगर मेरा ये चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना, और अच्छा नहीं लगा तो आप कॉमेंट में लिख भी सकते हो, अनलाइक भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करना चाहूँगा, धन्यवाद।